हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी वीकली क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने घर को डीप क्लीन करती हूँ वंस इन अ वीक एंड मोस्टली ये थर्सडे या फ्राइडे ही होता है, ताकि मैं अच्छे से अपने वीकेंड को एंजॉय कर पाऊँ और मेरे दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि मुझे घर साफ़ करना है। इसलिए हमेशा मैं फ्राइडे तक तो ऑलमोस्ट अपना घर बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ, और एक ही दिन में करती हूँ, मैं 2-3 दिन नहीं लगाती हूँ। एंड साथ में मैं अपने जो प्रोडक्ट्स क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं मिनिमलिज्म में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत मिनिमल यूज़ करती हूँ और अफोर्डेबल भी रहते हैं। सो सबसे पहले मैं अपनी क्लीनिंग जो है स्टार्ट करती हूँ बेडरूम से। जितनी भी साफ़ लॉन्ड्री है मेरी, मैं उन्हें अच्छे से जमा दूंगी। एंड क्रिब का एक जो साइड है पोर्शन, जहाँ पे मैं काफ़ी कपड़े और जमा सकती हूँ, तो यहाँ पे मोस्टली मैं अपने टॉवेल्स, नैपकिन्स, साफ़ वाले चादर है या फिर बेडिंग रिलेटेड जो भी है, पिलो केसेस एंड ऑल, सब कुछ मैं यहाँ पे हमेशा जमा के रखती हूँ साफ़ वाले, ताकि अगर नरवी खेल भी रही है तो उसे हर्ट नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे कोई भी चीज़ मैं नीचे नहीं रखती हूँ जिससे वो हर्ट हो। सो ये जो पोर्शन है ये जम गया है। अब हम चलते हैं बेड के तरफ। तो मैं सबसे पहले अपना बेड जमाऊंगी, क्योंकि अगर बेड नहीं जमा होता है तो मेरा किसी और चीज़ को साफ़ करने में पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता है। और अगर किसी दिन अगर मैंने अपना बेड अच्छे से नहीं जमाया तो मुझे इरिटेशन होते रहता है। सो निमिष के जाने के बाद या फिर उनके जाने से पहले भी अगर मेरे पास कभी टाइम होता है, ऑफिस जाने से पहले तो मैं सबसे पहले कोई काम करती हूँ तो वो है बेड जमाती हूँ। बेड जमे हुए बेड में एक तो सोने का मज़ा ही कुछ और होता है, और आप रूम में एंटर करो तो आपको मैसी नहीं लगता उतना। सो अब मैं अपनी बेडरूम की जो विंडो है उसे अच्छे से साफ़ करूँगी। एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे एक छोटी सी गिलहरी खेल रही है। सो पहले मैं सारा सामान हटा लूँगी। यहाँ पे मैं कॉमेट ब्रांड का मल्टी सरफेस स्प्रे क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। एंड मैं मल्टी सरफेस क्लीनर इसलिए रिकमेंड करती हूँ तो ताकि आपको हर टाइप के अलग अलग सरफेसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लीनर ना खरीदना पड़े। एंड इससे आपका एक तो काम आसान हो जाता है, स्पेस भी कम लगती है आपको सारे क्लीनर्स रखने के लिए। और हमेशा सफाई करते टाइम इतने सारे क्लीनर्स लेके घूमने से अच्छा है कि कोई एक ही क्लीनर हो जो सारे काम कर दे। एंड यहाँ पे टिश्यू की हेल्प से मैं पहले पूरे अच्छे से ग्लास क्लीन करूँगी, और उसके बाद सरफेस, एंड उसके बाद सारा सामान जो फैल गया है अगर मेरा ब्यूटी रिलेटेड जो भी मेकअप रिलेटेड, मैं उसे अच्छे से जमा दूँगी। उसी मल्टीपर्पज़ क्लीनर की हेल्प से मैं जो मेरे बेड के बाजू में एक छोटा सा साइड टेबल है उसकी सरफेस और जो लैंप है उसे साफ़ कर लूँगी। निर्वी को रूम के जो बड़े बड़े मिरर्स हैं इनके साथ खेलना बहुत पसंद है, तो ये कई बार होता है कि खाते खाते आती है गंदे हाथ चिपका जाती है या फिर खेलते खेलते लिक करने लगती है। सो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले, हफ्ते में 2-3 बार भी कई बार हो जाता है कि इस मिरर को मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। और मैं यहाँ पे इस रूम में तैयार होना भी पसंद करती हूँ डेली, क्योंकि बड़े मिरर्स हैं तो ऑफकोर्स कोई भी एडवांटेज लेगा। सो इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी एंड लगभग मेरा रूम हो गया। सो ये हमारा एंट्रेंस एरिया है, ये भी काफ़ी गंदा होता है क्योंकि एंटर करते टाइम जो भी डस्ट आ रही होती है शूज़ के थ्रू उससे गंदा होता है। एंड हम स्ट्रॉलर लेके आते हैं जो कि हम सामने वाले क्लोज़ेट में ही रखते हैं, एंड सामने वाले क्लोज़ेट में निमिष के कपड़े भी होते हैं, तो ये एरिया थोड़ा सा गंदा तो होता ही है। सो इसीलिए मैं झाड़ू की हेल्प से यहाँ से पहले डस्ट है, लीव्स हैं या कुछ भी ट्रैश है वो निकाल लूँगी पहले। एंड साथ ही साथ अब मैंने ब्रूम लेके आई ही हूँ तो मैं वॉशरूम को भी एक बार अच्छे से ब्रूम करती हूँ, ताकि जो हेयर फॉल वाले जो हेयर्स हैं वो भी निकल जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली हेयर फॉल्स तो होते ही हैं। एंड निर्वी को झाड़ू लगाना बहुत पसंद है, तो वो मुझे थोड़ा सा परेशान करती है जब मैं झाड़ू लगाती हूँ। एंड सिर्फ ब्रूम से नहीं, मैं इसे और भी क्लीन करती हूँ, तो डीप क्लीन करने के लिए सरफेस को मैं अगेन मल्टीपर्पज क्लीनर का ही यूज़ करती हूँ। एंड इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना रखें अपने घर में क्लीनिंग के लिए, काम वही होता है। एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रखने से क्लीनिंग में भी टाइम लगता है। ऑब्वियसली क्लीनिंग में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बट अगर आपको और उसे ईजी बनाना है तो जितने कम प्रोडक्ट होंगे उतना ईजीली साफ़ हो जाता है।
मेरा एक हाउस टूर पे वीडियो है जो कुछ ही दिनों पहले मैंने डाला था, काफ़ी लोगों को पसंद आया है। मिनिमल हाउस टूर, ये हमारा न्यू अपार्टमेंट है, रेंटेड अपार्टमेंट है, कुछ महीनों पहले ही हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। सो मेक श्योर कि आप भी उसे चेक करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो अब चलते हैं हॉल के तरफ, एंड हॉल में मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ सारे डोर्स एंड विंडोज़ क्लीन करने से। अपना कॉमेट ब्रांड का ही मल्टी सरफेस स्प्रे क्लीनर यूज़ करूँगी, आप चाहें तो कोई भी ब्रांड यूज़ करें अगेन, एंड टिश्यू की हेल्प से ही क्लीन करूँगी। सो ध्यान रखें कि जब भी आप सरफेसेस क्लीन कर रहे हैं तो जो कोने के एरिया रहते हैं या जो फिर गैप्स रहते हैं वहाँ पे हमेशा ज़रूर साफ़ करें, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। विंडोज़ पे भी मैं जो सामान रखती हूँ वो सब भी मैं अच्छे से इसी क्लीनर की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। एंड इंडिया में मुझे थोड़ी सी डस्ट की एलर्जी हुई थी एंड काफ़ी परेशान हुई थी उस वजह से मैं, इसीलिए अब मैं अपने कोशिश करती हूँ मैं अपने घर को जितना ज़्यादा डस्ट फ्री रख सकूँ। हर दिन तो पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए डस्टिंग करना, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं डीप क्लीनिंग के थ्रू सारे घर की डस्ट हटा लेती हूँ। एंड अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर के अंदर तो कम से कम धूल अच्छे से साफ करें। घर के बाहर तो बच्चे धूल में खेलते हैं तो इट्स गुड, उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनती ही है, लेकिन घर के अंदर अगर साफ सफाई हो तो बच्चों की हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना गंदा होता है जो स्लाइडर के बीच में जो गैप होता है, वहाँ पे बहुत धूल इकट्ठा हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप वीकली इसे ज़रूर साफ़ करें इस एरिया को। एंड अगर आप चाहें तो आप वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से भी यहाँ से सारा कचरा हटा सकते हैं। सफाई करते वक्त मेरी मजबूरी हो जाती है कि मुझे टीवी ऑन करनी ही पड़ती है आजकल, अदरवाइज़ पहले इसके फ्रेंड्स आते थे निर्वी के, तो वो उनके साथ बिज़ी हो जाती थी और मेरी क्लीनिंग हो जाती थी। बट अभी उसके फ्रेंड्स भी स्कूल जाते हैं सो मुझे टीवी ऑन करके देना पड़ता है, तभी मैं कोई काम कर सकती हूँ। एंड इस एरिया में मैं निर्वी के सारे टॉयज़ रखती हूँ, तो आई मेक श्योर कि हफ्ते में मैं सारे टॉयज़ निकाल के टीवी स्टैंड को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत बार निर्वी पानी गिरा देती है या फिर खाना खाते खाते कई बार मुझे यहाँ पे छोटी बिस्किट्स ब्रेड ये सब भी मिलते हैं क्लीनिंग करते वक्त। एंड टीवी के साइड पे ये गंदे हाथ भी लगाती है खाए हुए। सो और क्योंकि हमारा जो टीवी स्टैंड है वो बिल्कुल बैक डोर के पास में है, तो कई बार बहुत धूल जम जाती है, तो आई मेक श्योर कि बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाए। एंड पास में एक लैम्प है, इस लैम्प को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी वही टिश्यू की हेल्प से एंड सेम मल्टी सरफेस स्प्रे क्लीनर की हेल्प से। यू कैन सी काफ़ी डस्ट हो गई थी राइट यहाँ पे, एंड नाउ इट विल बी ऑल क्लीन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है डिसइंफेक्टेड वाइप्स, जो ग्रेट वैल्यू ब्रांड का है जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। एंड इससे सबसे पहले मैं सोफ़ा जो है हमारा फुटॉन जो है उसे साफ़ करूँगी, क्योंकि निर्वी बहुत बार होता है कि अपने स्नैक्स जो है वो फुटॉन पे बैठ के खाती तो काफ़ी गिराती है, एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो हमेशा साफ़ रहे फुटॉन, ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। और ये सिर्फ वीकली नहीं, मैं वीक में 2-3 बार यहाँ पे डिसइंफेक्टेड वाइप से साफ़ करती हूँ, ताकि क्लीन रहे ऑब्वियसली। एंड इसी डिसइंफेक्टेड वाइप से मैं अपने सारे जो गैजेट्स हैं उन्हें भी साफ़ करती हूँ, साथ में चेयर्स एंड डाइनिंग टेबल भी। फुटॉन के जस्ट ऊपर पे ब्रेकफास्ट बार है, तो यहाँ पे मैं हमेशा डिसइंफेक्टेड वाइप से फिर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि फ़िल्टर के पास का एरिया जो है वो साफ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है। एंड निर्वी जो है कई बार अपने स्नैक्स ग्लास बॉटल्स जो है इस एरिया पे रखती है, तो आई मेक श्योर कि ये भी डिसइंफेक्टेड वाइप से ही क्लीन हो। एंड फ़िल्टर को भी मैं एक क्विक वाइप दे देती हूँ, ताकि अगर डर्टी हैंड्स लगे हों तो वो भी साफ़ हो जाएँ। सो ये जो एरिया है फायरप्लेस के ऊपर वाला, ये बहुत गंदा कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे भगवान जी का सामान है हमारा एंड कैंडल्स एंड एक वास है, तो ये जो वास है एक्चुअली ये मैंने DIY बनाया है, मतलब घर पे बनाया है, और 2 से 3 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक करना ना भूलें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैंने बनाया है। उसमें एक फेक फ्लावर वाला जो है, फ्लावर्स जो हैं वो फेक हैं, बट जो पीछे स्टैम्प्स है ग्रीन वाली वो मैंने बाहर से लेके आई हैं,
सो यू नो जब भी मैं वॉक पे जाती हूँ अगर मुझे फ्रेश स्टेम गिरी हुई मिलती हैं तो मैं वो उठा के घर ले आती हूँ. सो इंस्टीड ऑफ बाइंग यू नो प्लांट्स फॉर होम, इंडोर प्लांट्स, यू कैन डू दिस थिंग. ये बहुत अच्छा आइडिया है. घर के अंदर प्लांट नहीं रखना चाहते, वो महंगे पड़ते हैं या फिर मेंटेनेंस बहुत लगता है उनका, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है. आप बाहर से स्टेम लेके आइए घूमने जाते हैं तो, और वास में लगा के रख दीजिए. इस एरिया को साफ़ करने के लिए मैं डिसइंफेक्टेड वाइप्स यूज़ नहीं करती क्योंकि यहाँ पे यू नो खाना पीना कुछ भी नहीं होता है. यहाँ इस एरिया को मैं हमेशा मल्टी सरफेस क्लीनर से ही साफ़ करती हूँ. अब जब सारी टॉप सरफेसेस साफ़ हो चुके हैं तो अब टाइम आता है कि मैं वैक्यूम क्लीनर लेके यू नो ग्राउंड जो फ्लोर है उसे और जो कारपेट है उसे क्लीन करूं. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूं अपने सोफ़े को हटा के, क्योंकि कई बार होता है कि मुझे वहां पे बहुत सारी गिरी हुई चीज़ें मिल जाती हैं, निर्वी के खिलौने, पेपर्स, कई बार मेल्स एंड ऑल. सो मैं सबसे पहले उन्हें हटाऊँगी और वहाँ से पहले वैक्यूम करना स्टार्ट करूँगी. निर्वी को कभी कभी थोड़ा सा डर भी लगता है वैक्यूम क्लीनर से और कई बार वो उसे बहुत मज़ा आने लगता है. एंड एज ऑफ नाउ तो वो जो है शॉवर ले रही है, खुद से पानी खेल रही थी, तब मैंने सोचा कि वैक्यूम करती हूँ तो उसे डर भी नहीं लगेगा और मेरा काम भी हो जाएगा. जैसे कि मैंने बताया था कि वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से आप जो दरवाजे के यू नो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ का भी आप सारा यू नो गंदगी जो है हटा सकते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ क्योंकि पैटियो एरिया साइड काफ़ी सारी लीव्स होती हैं जो यू नो वाइप से भी नहीं निकलती हैं एंड ऑल. सो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे भी साफ़ कर लूँगी. एंड मेरा ट्राईपॉड जो है वो टूट गया है क्लीनिंग करते टाइम, तो इट वाज सो हार्ड. जितना टाइम मुझे नॉर्मली क्लीनिंग करने में लगता है उससे मुझे डबल टाइम लगा था आज, क्योंकि यू नो कैमरा सेट करना एंड विदाउट ट्राईपॉड उसे लेके घूमना एंड सफाई करना, इट्स सो हार्ड. एंड सोफ़े के पीछे भी बहुत बार डस्ट जम जाती है, तो आई रिकमेंड यू कि या तो आप वाइप से साफ़ कर लें. एंड मेरे पास सामने यू नो वैक्यूम क्लीनर था तो मैंने उसी से साफ़ कर लिया एंड एकदम अच्छे से साफ हो गया है वो. एंड यू नो वैक्यूम क्लीनर से जो है वो मैं अपने किचन भी हर हफ्ते साफ़ करती हूँ. कई बार होता है हफ्ते में 2-3 बार भी साफ़ करती हूँ, और वाइप से तो मोस्टली हर दिन ही हो जाता है मेरा किचन साफ़. सो यू नो जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे कई बार होता है आटा होता है, दाल चावल, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो फंस जाती हैं. सो वैक्यूम क्लीनर जब बाहर निकलता है मेरा तो आई मेक श्योर कि जो किचन है वो एरिया मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ. एंड यहाँ पे मैंने इस वीकली रूटीन में मैं किचन की जो क्लीनिंग है वो आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि किचन क्लीनिंग डेली होती है, डेली बेसिस पे होती है मेरी. सो अगर आप चाहते हैं कि अब मैं आपको अपनी डेली क्लीनिंग रूटीन भी बताऊं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा क्लीन करती हूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि उससे भी बहुत मेरी जो वीकली क्लीनिंग रूटीन है वो इजी हो जाती है. अब जब हॉल किचन एंड बेडरूम साफ़ हो गया है तो अब बारी आती है वॉशरूम साफ़ करने के लिए. एंड वॉशरूम साफ़ करने के लिए हमेशा मैं एक DIY क्लीनर बनाती हूं, और उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ें ज़रूरत है. एक कंटेनर लीजिए, उसमें बेकिंग सोडा मैं अंदाज से डालती हूँ, और बेकिंग सोडा के ही प्रोपोर्शन में अगर आप चाहें तो डिश सोप डाल सकते हैं, या कम या ज़्यादा अपने लाइकिंग के हिसाब से. एंड उसके बाद उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए उसे डाइल्यूट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से फैल जाए. एंड इस मिक्सचर को मैं यूज़ करती हूँ अपना टब साफ़ करने के लिए, और बाथ टब साफ़ करने के लिए, एंड वॉशरूम का जो सिंक है उसे बेसिन को साफ करने के लिए. नाउ पॉट को साफ करने के लिए ऑब्वियसली आइदर आई यूज यू नो हार्पिक और एनी काइंड ऑफ अदर क्लीनर लाइक दैट ओनली. एंड जो सरफेस है जो फ्लोर है वॉशरूम का उसे साफ करने के लिए मैंने वही मल्टा सरफेस जो स्प्रे क्लीनर था उसे ही यूज किया है. जो ये ब्रश मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्रश जो है ये एक वेजिटेबल के अंदर का एक पार्ट है, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे. अगर आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ये मेरे विलेज में बहुत इजीली मिल जाता है इंडिया में. सो मैं वो लेके आई थी क्योंकि वो बहुत अच्छा एक ब्रश के तरीके से काम करता है. अगर आपको डिश यू नो डिशेस साफ़ करनी है या फिर कोई भी यू नो सरफेस साफ़ करना है, अच्छे से साफ़ हो जाता है उससे, एंड काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं इस टाइप के ब्रशेस अगर आपके पास रहें तो.
आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चमक रहा है मेरा। मैंने जो क्लीन जो DIY जो मैंने क्लीनर बनाया था उसे 15 मिनट लगा के रखा था और उसके बाद वापस से उसे वॉश कर लिया अपने बेसिन को एंड टब को, एंड दे आर वेरी वेरी क्लीन नाउ, बहुत शाइन कर रहे हैं। अब पुरानी जो टॉवल्स हैं उन्हें मैं नई वाली टॉवल्स एंड नैपकिन से रिप्लेस कर दूँगी, ताकि हफ्ते में एक बार तो चेंज करना ही चाहिए नैपकिन्स। एंड इस तरीके से मैं इस क्लीनर को मल्टी सरफेस क्लीनर को यूज़ करूँगी काउंटर टॉप्स साफ़ करने के लिए एंड फ्लोर एंड मिरर साफ़ करने के लिए। अब लास्टली जो चीज़ बची है वो है पैटियो एरिया। तो यहाँ का मैं जो मैंने बाथरूम साफ़ करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो मैं शॉवर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंदापन लगने लगता है अगर मैं वॉशरूम साफ़ करी उसके बाद मैं नहाऊँ नहीं तो। एंड उसके बाद मैं सारे सामान हटा हटा के एक बार पैटियो को अच्छे से ब्रूम कर लूँगी, एंड आई मेक श्योर कि हफ्ते में दो बार हमारे घर का पूरा जो कचरा है वो फेंक दूँ। सो बाहर हम लोग डस्टबिन में ही डायपर्स फेंकते हैं, जो भी निर्वी के गंदे डायपर्स हैं, डर्टी डायपर्स। सो किचन का एंड डर्टी डायपर्स का मैं हफ्ते में एक से दो बार क्लीनिंग करती ही करती हूँ, वो फेंक देते हैं कचरा। उसके बाद मैं डस्टबिन भी क्लीन करती हूँ। उसके बाद आता है मेरा फेवरेट पार्ट, फ्रेगनेंस। जब पूरा घर साफ हो जाता है तो मुझे अपने घर में फ्रेगनेंस लगाना बहुत अच्छा लगता है, किसी भी टाइप की जो मेरी फेवरेट होती हैं। तो मैं कैंडल्स जो हैं वो जला देती हूँ फ्रेगनेंस वाले, या फिर अगरबत्ती, और नहीं तो फिर मैं अगर बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो जो मैंने DIY वास बनाए हुए हैं इनमें मैं अपने फेवरेट डिओड्रेंट स्प्रे कर देती हूँ, तो उससे भी घर में बहुत अच्छी स्मेल आती रहती है। सो अगर आप चाहें तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, एक छोटा सा टिप है। सो अगर आपको मेरा आज का क्लीनिंग वीडियो पसंद आया हो, क्लीनिंग रूटीन वाला वीडियो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक तो देना ही देना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कई बार होता है कि हमें आलस आता रहता है, लेकिन इस टाइप की वीडियोस देख के हमें एनर्जी आ जाती है और हम भी क्लीनिंग में भिड़ जाते हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग। तो मेक श्योर कि आप सबके साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट्स हमेशा मिलती रहें। मैं हर हफ्ते दो वीडियोस के साथ आती हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी ग्रो होने में हेल्प मिलेगी और आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आई एम रियली एक्टिव ओवर देयर। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते अगले वीडियो में, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आप कौन सा वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं, कोई DIY वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई क्लीनिंग वीडियो, जैसे कि डेली क्लीनिंग वीडियो, किचन क्लीनिंग वीडियो, जो भी है बिल्कुल लिखना ना भूले। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे क्लीन।